हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और हम लोग आज निकल रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो यहाँ से हमने कैब वगैरह बुक करी और सब से बस निकलने वाले हैं। तो देखते हैं आज कितना मज़ा आने वाला है। ये भाभी हाय रियान, हाय कर दो। हाय हाय। मास्क पहन लो सबको। तो गाइज हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे और अभी हम लोग को बीच में बड़ौदा में रुकना भी है। वहाँ पे हम लोग जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, जो गुजराती ब्रेकफास्ट वगैरह होगा हम वहाँ पे ट्राई करेंगे। और तब तक के लिए वहाँ तक भी हमें जाने के लिए 2 घंटा लग जाएगा। सो गाइज वी हैव रीच होटल कृष्णा पार्क बड़ौदा और यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। बोल रहे हैं फाफड़ा ना अभी 2 ले लो सिर्फ 200 ग्राम, क्योंकि और भी ले ना हम लोग। क्या 2 प्लेट 11 3 जलेबी फाफड़ा और 10 थेपले और 1 बरेला मिर्चा 2। तो गाइज हम लोगों ने गुजराती ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है और उसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है गुजराती खाना। तो गाइस हम लोग का नाश्ता हो चुका है और हम लोग चलते हैं कार की तरफ। हाँ बोलो। नहीं वो वाला गाना गाई जा अभी गा रही हूँ। नैन में बंद राखी में। हाँ। नैन में बंद राखी ने मैं जा रही तमने जो गया छे Okay. तो गाइज हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के एंट्री पॉइंट पे आ चुके हैं और हमें यहाँ से अंदर जाने के लिए हमें अपनी यहाँ कार पार्क करके एक बस करनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे जो बस होती है वो यूनिटी वालों की तरफ से ही अरेंज होती है और आपके टिकट में ही इंक्लूडेड होती है। तो हम उसी की लाइन में लगे हुए हैं और वेट कर रहे हैं हमारी बस आने का। सो गाइज वी हैव एंटर्ड इन यूनिटी कैंपस और आगे चलते हैं। काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा स्टैचू तक जाने के लिए।
सो गाइज वी हैव रीच्ड एट द बिलो पार्ट ऑफ स्टैचू. वहाँ पे म्यूज़ियम बनाया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और अंदर काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं. तो गाइस अब हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं स्टैचू के अंदर होते हुए. और ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जितने भी स्टैचूज हैं सबको कंपेयर करके सबकी हाइट्स बताई गई है, और सबसे ऊंची यहाँ पे हमारी स्टैचू इन्फिनिटी ही है जैसा कि आप देख सकते हैं. सो गाइस हम लोग 45th फ्लोर पे आ चुके हैं वाया लिफ्ट, और ये जो पार्ट है वो सरदार वल्लभ भाई जी का चेस्ट वाला पार्ट है. कितना अच्छा स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं आप, कितनी मेहनत, वंडरफुल स्ट्रक्चर. ये पूरा फ्रेम है जिसकी वजह से ये पूरी मूर्ति खड़ी है, आप देख सकते हैं, सो वंडरफुल. ये अभी हम सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े, चेस्ट पे है, स्ट्रक्चर के अंदर है, 135 मीटर, 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े आप. ये जाली जो आप देख रहे हैं सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन है ऊपर, ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा. अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं. दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है. स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है. इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले जिले के कोल्हापुर गांव के रहने वाले हैं. स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स. इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है. आप लिफ्ट में आए, आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो, 4 मीटर पर सेकंड. ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है, सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं. अभी आपको नीचे जाना है म्यूजियम में, फिर सरदार साहब के पैरों पे जाना है. आपकी टिकट में इंक्लूड है वैल्यू ऑफ फ्लावर्स. थैंक यू, धन्यवाद. तो गाइस हम सरदार साहब के मूर्ति के पैरों के पास आ गए हैं. आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टैचू बनाया है, काफ़ी मेहनत लग रही है यहाँ पे जितने भी लेबर्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर जो भी हैं इसके. आप देख सकते हैं काफ़ी फाइनली इसको डिज़ाइन किया गया है. नीचे से तो इस मूर्ति की फेस नहीं दिख पा रही है, पर लगता है हमें पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ से हम इसका फेस देख सकते हैं, फेस वाला पार्ट. हेलीपैड आ गए हैं, हेलीपैड इस जगह का नाम है, और यहाँ पे लाइट शो होने वाला है. तो बारिश भी हो रही, बारिश तो नहीं हो रही पर हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से पूरा कीचड़ और पानी हो गया है, लेकिन स्टिल वी विल टेक द सीट. वहाँ पे जो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति दिख रही है आपको, सही से नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे वी लोग लाइट शो करेंगे कैसे करेंगे. तुम बल का सागर अपरम पार, देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सदा. अठारह के 5 बेटों और 1 बेटी में से 4th पुत्र थे. उसके बाद नड़ियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की.
फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झमेर भाई से। लाइट शो तो देख लिया है, पर इस वीडियो में लाइट शो का बहुत अच्छे से तो नहीं आ पाया, पर मैंने थोड़ा बहुत जो शॉट लिया है वो बस मैंने ले लिया किसी तरीके से, ताकि वो एटलीस्ट दिख जाए थोड़ा बहुत। अब हम लोग वापस की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं बाकी सब। फिर भी यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। चलिए, इस डे के ब्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी कल हम मिलेंगे, और जो अगली हमारी ट्रिप है अगली जो हमारी ट्रिप है वो होगी, शुरू होगी कल रात। तब तक के लिए बाय।